नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। कुछ लोग का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि सर हमें आप लैपटॉप और कंप्यूटर के बायोस के बारे में बताइए। तो दोस्तों आज मेरे पास ये लैपटॉप है और इसमें बायोस क्या चीज़ होता है, अगर आप भी नहीं जानते हैं इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो आपको कंप्यूटर लैपटॉप फॉर्मेट करने में, विंडोज लोड करने में आपकी मदद करेगा। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। उसके पहले चैनल पहली बार आए हुए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जब भी कोई नया वीडियो बनेगा तो आपके पहुंच जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों मेरे पास एक लैपटॉप है और लैपटॉप के अंदर ये बायोस खुला हुआ है। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्लियर आपको मतलब है कि जब हमारे और इस लैपटॉप में शुरू में कमांड होता है, मतलब इसको हम कुछ कमांड देते हैं, तो इस लैपटॉप के अंदर पहले से कुछ मेमोरी फीड है, ठीक है, कि किस कंपनी का मदरबोर्ड लगा हुआ है, हार्ड डिस्क क्या है, रैम कितना है, उसको बोलते हैं बायोस। दिखा देता हूँ आपको। देखिए लैपटॉप ऑन होते ही ये ऐसा पिक्चर आ जाता है, ये ऐसा आ जाता है, पिक्चर आ जाता है। तो इसको पूरा डिटेल से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए लेके चलता हूँ आपको लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, आपको वन मिनट कर बताता हूँ। हाँ बता दो आपको, जैसे कि देखिए बहुत सारी कंपनियों के लैपटॉप आते हैं, एचपी का लैपटॉप है, डेल का लैपटॉप है, लेनोवो का है, एसर का है। तो जो भी लैपटॉप आते हैं ना, उस लैपटॉप के अंदर एक की दिया होता है, स्पेशल की दिया होता है, जिसके दबाने से आप इस बायोस में एंट्री कर जाएंगे। जैसे डेल कंपनी का लैपटॉप मेरे पास है, इसमें F2 बटन है। F2 को जैसे मान लीजिए कि अभी देखिए लैपटॉप को बंद कर देता, बंद कर, लैपटॉप बंद कर दिया, और लैपटॉप को जब मैं ऑन कर रहा हूँ तो इसके अंदर F2 बटन है, उसको दबा रहा, दबा रहा, छोड़ो, दबा, छोड़ो, दबा, छोड़ो। देखिए डेल क्या रहा, उसके बाद जो है ये एक जगह एंट्री कर जाएगा, ठीक है, हम दबा रहे, दबा रहे, दबा रहे हैं, अभी जो हमारा एक जगह यहाँ लिखा हुआ है F2 लिखा हुआ है। वैसे ही HP कंपनी के अंदर आपका F10 से जाता है, HCL के अंदर भी F2 से जाता है, मतलब अलग अलग कंपनियों के अंदर जाता है। तो देखिए ये हमने F2 प्रेस कर दिया, ये विंडो खुल के आ गया हुआ है। तो एकदम क्लोज से आपको दिखाता हूँ, तब तो समझेंगे बायोस का मतलब क्या होता है, कैसे काम करता है। चलिए लेके चलता देखिए हूँ ये स्क्रीन के ऊपर। बायोस खोल गया है, फिर से करके दिखाता हूँ आपको। मैं मान लीजिए लैपटॉप मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, लैपटॉप बंद हो चुका है, और दोबारा जो है फिर लैपटॉप में ऑन करता हूँ, ठीक है दोस्तों। ऑन किया, ऑन करने के बाद में अब इसमें बायोस में एंट्री करनी मुझको, तो इसमें F2 बटन दिया हुआ डेल के अंदर, तो ये मैं प्रेस करूंगा, इसे छोड़ूंगा, क्योंकि देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है F2 सेटअप, ठीक है, इसको प्रेस कर रहा हूँ। अब देखिए एक मेनू खुल के आएगा, उसमें एंट्री करेंगे। हमें ये क्यों करना पड़ता है, मान लीजिए कि ये लैपटॉप है, लैपटॉप हमारा जब ऑन होता है, ऑन करने बाद में इसमें बहुत सारे पार्ट लगे होते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क लगा होता है, राइटर लगा होता है, कीबोर्ड लगा होता है। शुरू के अंदर ये जो है कंप्यूटर आइडेंटिफाई करता है इसमें क्या क्या लगा हुआ है। देखिए ये खुल के आ चुका है, अब बताता हूँ आपको मैं। तो पहला ऑप्शन ये देखिए लिखा हुआ है मेन, ठीक है, देखना मेन दिखाओ, मेन के अंदर बता रहा है सिस्टम टाइम। अगर आपको लैपटॉप में डेट और टाइम चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि जो ये दिख रहा है हाईलाइटेड है ना, ये इस पर देखिए, इस पर लेकर आता हूँ मैं, और ये देखिए ये पड़ा हुआ, यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि मैंने 1 3 कर दिया, तो देखिए चेंज हो गया। उसी प्रकार से जो है हमें यहाँ चेंज करना, 1 2 करना है तो हम चेंज कर सकते हैं। डेट आपका 18 तारीख है, मुझे 2 3 करना है, मतलब यहाँ से चेंज कर सकते हैं, डेट और टाइम यहाँ चेंज कर सकते हैं। क्लियर है ना। देखिए तो हर लैपटॉप में बायोस में जाकर और डेट और टाइम चेंज कर सकते हैं, ये चेंज कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है कि देखिए इसमें बायोस का वर्जन क्या है, मतलब जो इसमें सिस्टम लोडेड है ना वो उसका वर्जन आता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम वर्जन है ये। तो बता रहा है A14 मॉडल है बायोस का, अगर मान लीजिए तो आपने देख लिया। उसके बता रहा प्रोडक्ट नेम बता रहा है, देखिए Inspiron 3521 बता रहा है कि लैपटॉप का मॉडल नंबर क्या है। क्लियर है ना। उसके बाद बता रहा है आपका ये कि CPU टाइप कौन सा है, देख सकते हैं इंटेल आर कोर i3 2375 MH, मतलब i3 का ये सेकंड, मतलब सेकंड जनरेशन लिखा हुआ है, कितने गीगाहर्ट का ये चेक कर सकते हैं। उसके अंदर देखिए ये बता रहा है कि इसमें फिक्स HDD कितना लगा हुआ है, तो बता रहा है कि इसके अंदर एक सैंडिस्क का लगा हुआ है, ये आपका SSD 120 GB का, फिर उसके बाद साटा एक लगा हुआ है, आपका राइटर लगा हुआ है, ये मतलब एक हार्ड फिक्स हार्ड डिस्क लगा हुआ है, एक आपका SSD लगा हुआ है, एक इसमें राइटर लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बताया टोटल मेमोरी कितनी है, 4 GB का है। तो यहाँ से आप चेक करना चाहते हैं कि आपके लैपटॉप में क्या लगा हुआ है, यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर सेकंड नंबर ऑप्शन आता है एडवांस, यहाँ जाना है तो एरो की से हम आगे पीछे जाते हैं, ये एरो की है, इससे हम मूव करेंगे तो हम यहाँ चले आए हैं। क्लियर है ना। ये देखिए ये चलाया हुआ है, तो ये कर सकते हैं। बहुत सारे लैपटॉप में देखिए क्या, हम अगर बायोस में बैटरी ख़राब हो जाए ना, मतलब लैपटॉप में बैटरी ख़राब आपके हो जाए, तो आप में क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट सब कुछ चेंज होता है। कभी कभी देखिए लैपटॉप में बहुत बड़ा दिक्कत ये आता है कि आपका दिख रहा है ना साटा ऑपरेशन, दिख रहा है ना, ये ASCII
इसके अंदर अगर मान लीजिए कुछ चेंजिंग आ जाएगी तो आपका लैपटॉप जो है बूट नहीं करेगा। तो बहुत बार देखेंगे ये वाला जगह जो है ना, तो यहाँ पे चेंज करने वाला जगह जो होता है, ये आपका ASI जो होता है ये आपका चेंज हो जाता है, ये हो जाता है ATA हो जाता है। ATA हो जाएगा तो फिर आपका लैपटॉप बूट नहीं करेगा। तो ये चेक कर सकते हैं कि आपका लैपटॉप में बूटिंग की प्रॉब्लम है, तो ये SATA ऑपरेशन को ये एक बार ATA करके चेक कर सकते हैं, एक बार ASCHI। अगर यहाँ से सेटिंग गड़बड़ हो जाएगी तब भी आपका कंप्यूटर या लैपटॉप जो है चलेगा नहीं, इसलिए यहाँ चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो बाय डिफॉल्ट मेरा ASCII होता है। हार्ड डिस्क का ये प्रोटोकॉल है, किस प्रोटोकॉल पे हार्ड डिस्क काम कर रहा है, तो ASCII पे मेरा प्रोटोकॉल काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं मैसेलिनियस डिवाइसेस के अंदर क्या लगे हुए हैं, यहाँ क्लिक करिए। तो अगर आप यहाँ से बंद कर देंगे, एक्सटर्नल USB हब एनेबल है, तो अगर मैं यहाँ से इसको डिसेबल कर दूंगा ना, तो आपका USB पोर्ट लैपटॉप काम नहीं करेगा। क्लियर है ना? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पूछे आपको कि BIOS क्या होता है, तो आप सिंपल तरीके से उसको जवाब दे सकते हैं कि लैपटॉप में कंप्यूटर में सिस्टम को सेटिंग करने के लिए BIOS शुरू में होता है, किसी में F2 से जाता है, किसी में F10 से जाता है। क्लियर दोस्तों, वीडियो पसंद आपको आया प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए अच्छा वीडियो बना सकते हैं, वीडियो को शेयर दोस्तों। आप सब लोग को नमस्ते दोस्तों।